नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा, रखी विभिन्न मांगे। दरअसल इंदौर में मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ ने अपनी मुख्य बुनियादी सुविधा और अधिकारों को लेकर जिलाधीश महोदय मनीष सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उनकी 5 सूत्रीय मांग, जैसे आंगनवाड़ी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, वेतन बढ़ाया जाए, आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय की मान्यता दी जाए एवं कार्यकर्ता सहायिका को सम्मानजनक पद का नाम दिया जाए, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुएटी और चिकित्सा सुविधा लागू की जाए, सरकारी कर्मचारी की तरह ही उन्हें अर्जित अवकाश दिया जाए को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा करने का कष्ट करने की मांग की गई, ताकि वे अपने कार्य को ठीक तरीके से तनाव मुक्त होकर कर सके एवं उन्हें उपेक्षित न समझा जाए। आज हम लोग, हमारी पूर्व से चली आ रही है कुछ मांगे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हम लोगों को पेंशन ग्रेच्युटी दी जाए और प्री प्राइमरी की टीचर का दर्जा हम लोगों को दिया जाए। ऐसा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक का हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, जो कि मुख्यालय से हम लोगों को आदेश था, उस अनुसार आज हमने इंदौर जिला इकाई के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ के साथ में मिलकर। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।